माँ बेटी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ मेरी जान, देखो हमारे पास यहाँ तक के एक्सेसरीज भी। अच्छा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे प्यार, बात यह है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक महीने का जश्न मना रही हूँ और हम यहाँ उसके लिए कुछ खरीदने आए हैं। यह पसंदीदा है। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो? हाँ मेरे प्यार, वह वही है। अब मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। मेरे प्यार, क्या तुम मुझे कृपया कार्ड दे सकते हो? मुझे ये और कुछ शर्ट्स खरीदनी हैं जो मुझे पसंद आएंगी। बिल्कुल हाँ मेरी जान, देखो बेटी ये मेरा प्रेमी है, इसका नाम जुआन है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेटी और तुम किसके साथ हो? मैं सोच रही थी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। माफ करें, क्या आप यहाँ काम करते हैं? क्योंकि आप एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इस शर्ट की कीमत क्या है? वह मेरा प्रेमी है। इसे कहा जाता है लुलुकास। बेहद खुशी हुई। मेरा नाम यूजेनिया है, मैं मरियाना की माँ हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम लुकास है, खुशी हुई। श्वासुर, मिलकर अच्छा लगा। नहीं, वह सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी तक वह मरियाना का सौतेला पिता नहीं बना है। मैं यह भुगतान करने जा रहा हूँ और अगर आप चाहें तो हम कुछ खाने के लिए बाहर जा सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सके। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम हमें कब से धोखा दे रहे थे? तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है, तुम्हें मेरी माँ को सच बताना होगा। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं कह दूंगा। अच्छा, और कितने समय से साथ हैं? बेटी हम 6 महीने से साथ हैं। मेरा प्रेमी कितना प्यारा और प्यार करने वाला है ना मेरे प्यार? देखो ये ड्रेस और जो एक्सेसरीज मैंने पहनी है, यह उसने मुझे उपहार में दिया। लेकिन अब जब मैं इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पसंद मेरे बॉयफ्रेंड जैसी ही है, क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसी कपड़े पहने हुए हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे सब कुछ गिफ्ट किया है जो मैं पहन रही हूँ। अच्छा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? मेरे प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ता है। और आपने कहाँ पढ़ाई की? मैंने नेशनल में पढ़ाई की। हाँ, नेशनल में पढ़ाई की। वहां वह कोर्स नहीं है, ये अजीब है। ठीक है, और तुम्हारी मेरी माँ के साथ क्या इरादे हैं? क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? सकर सर, क्या हुआ? बिल्ली तुम्हारी जीभ खा गई क्या? हाँ मेरी जान, हाँ शांत हो जाओ, यह कोई पूछताछ नहीं है। यहाँ केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे बॉयफ्रेंड और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सही है ना मेरे प्यार? देखो मेरे प्यार, सब ठीक है। और बेहतर होगा कि मैं आपसे इजाजत मांगूं, मैं बाथरूम जाने वाला हूँ। आप लोग मिलते रहिए। तुम और कितनी देर चुप रहने वाले हो? आपको मेरी माँ को सच बताना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कर दूंगा, और मुझ पर विश्वास करें। कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फोकस प्यार, कृपया ऐसा मत करो।
देखो तुम्हारी मां के साथ स्थिति यह कुछ जटिल है। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे भी। देखो सच में मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी मां है, जब तक मुझे हाल ही में पता चला, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैंने इस पूरे योजना को जारी रखा। मुझे माफ करें। तुम तो बेहया हो। तुम सचमुच एक विजेता हो, है ना? आपने यह कैसे किया? और तुम भी चुप रहो। मेरे प्यार, कृपया देखो, यह बस एक गलत फहमी जिसे हम सुलझा सकते हैं। क्या इसे हम खाने के बाद ठीक कर सकते हैं? सच कहूं तो मुझे बहुत भूख लगी। अरे तुम बिल्कुल बेकार हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें क्यों लाया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। हाँ, मेरी जान, मेरे प्यार, बात यह है कि मुझे जाना है, काम की कुछ चीजें करनी है। तुम्हें पता है मेरी जान, व्यस्तता है। अरे नहीं मेरी जान, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि हम पूरा दिन साथ रहने वाले हैं। जुआन कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके पास तुम्हें कुछ बताने के लिए कुछ है। माँ, कुछ कहना है। मुझे नहीं पता आपकी बेटी किस बारे में बात कर रही है। माँ देखो, मुझे पता है कि यह बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आदमी हमें कब तक धोखा देना चाहता था। बात यह है कि जुआन और मैं भी प्रेमी थे, और हमने दुकान में वह देखा। ऐसा कैसे? जुआन, कृपया क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मेरी बेटी क्या कह रही है? मैंने कुछ सुना तो है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं देना चाहा। कृपया सुनो, मैं समझाता हूं। बात यह है कि मैं नहीं जानता था कि तुम मरियाना की मां हो, और जब मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हमने पहले ही कुछ समय साथ बिताया था, और मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था अब तुमसे दूर हो जाना। मेरे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खैर, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। तुम बड़े धूर्त हो, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम बहुत बेशर्म हो, मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर कब ध्यान देने लगी? मैं केवल अपनी माँ के साथ पैसे के लिए था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, जब तक तुमने इसे बर्बाद नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं यहां आप लोगों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो मुझे मेरा स्थान दे, जो मुझे संतुष्ट करे, और जो मुझे वे विलासिताएं दे जो मैं योग्य हूं। यह बकवास नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूं, और इसे मैं भुगतान नहीं करूंगा। भगवान का शुक्र है कि हमें समय पर इसका एहसास हो गया। मुझे खेद है कि मैंने दुकान में यह नहीं कहा, लेकिन मैं सदमे में था और प्रतिक्रिया नहीं कर सका, और वह कमीना जो कर रहा था उसे जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकता था। तुम सही हो बेटी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था,
लेकिन मैं हुआना से अंधी हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है हमने सब कुछ देख लिया। लेकिन सासू माँ चिंता मत करो, ऐसी चीजें होती हैं। इसके अलावा सकारात्मक पहलू देखें, इससे एक बोझ कम हो गया। सासू जी तुम्हारा काम खत्म हो गया। देखो आपकी सेवा के लिए बहुत धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर आप चाहें तो हम मिल सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई फिलिपे। भगवान का शुक्र है कि हमें सब कुछ समय पर पता चल गया।